हेलो किचन मम्मी दे में आप सभी का स्वागत है। आज सोच रही सीजन चल रहा है, सीजन में सीजन किस चीज़ ही बन जाए। तो बस ये मक्के का बनाया मैंने उत्तपम, बड़े सिंपल से हैं। जैसे आपको पता है घर के रखे हुए सामानों से मेरा रेसिपी रहता है और कम सामानों के साथ ही। तो मैंने और आप देख सकते हैं कितने मज़े का, कितना सॉफ्ट सॉफ्ट बना है। और साथ में इसमें मैंने बनाई है तीखी चटनी, तीखी वाली सिंगदाने की रेसिपी चाहिए रहेगा जरूर बताइएगा, आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। तो बस सिंपल सा, जैसे मेरे हर वीडियो में मैं बोलती हूँ सिंपल सा सिंपल सा सिंपल। तो बस इसमें करीबन एक कटोरी के इतना मैंने मक्के का आटा लिया, उतने ही एक कटोरी के इतना मैंने सूजी डाल दिया है। एंड देन नमक डाल दे रही हूँ 1 टीस्पून के अराउंड, और दही डाल दे रही हूँ 1 कटोरी के इतना। एंड अब इन सबको, दही को, सूजी और मक्के के आटों को पहले हम मिला लेंगे अच्छे से। उसके बाद पता चल जाएगा कितना पानी लगेगा, उस हिसाब से हम पानी डालेंगे। और सूजी ना बारीक वाला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अगर नहीं जाड़ा है तो उसको मिक्सर करके बारीक कर लेना। तो बस ये दही मैंने डाल के इसे अच्छे से कोट कर लिया। 1 कटोरी दही है तो अब इसमें 1 कटोरी के साथ साथ 1 कटोरी से 1.5 कटोरी पानी लगेगा, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी करके पानी डाल रही हूँ। तो ये देखिए पानी डाल रही हूँ, इसे आधी कटोरी पानी डाली करीबन, देखो एकदम ड्राई। फिर मैं 1 कटोरी भर के पानी डाल दे रही हूँ पूरा, और अब देखते हैं कितना लगेगा। तो बस इसे अब पहले मिला लेते हैं, फिर आइडिया भी हो जाएगा कितना लगेगा, बट 1.5 कटोरी इतना इनफ रहेगा। तो ये देखिए मैं बोली ना 1.5 कटोरी लगेगा पानी। तो बस पानी हो गया, इसे अच्छे से मिक्स कर रही है। अब इसे मैं साइड में रख दूँगी करीबन 15 से 20 मिनट या आधा घंटा, जिस हिसाब से टाइम, एटलीस्ट 15 मिनट रख ही देना। तो बस इन सबको अच्छे देखते हैं अभी, अगर मैं पानी है, देखिए पानी सूख लिया है, थोड़ा सा ड्राई दिख रहा है। तो बस अब इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे बेकिंग सोडा। तो बस ये बेकिंग सोडा है जो, इसे मैं डाल दे रही हूँ 1.5 टी स्पून कितना, थोड़ा 1 टी स्पून कितना पानी डाल के इसे फेटेंगे करीबन 3 से 4 मिनट। तो ये एकदम फ्लफी और जालीदार भी हो जाएगा। तो हाँ फेटेंगे जितना अच्छा उतनी अच्छी जालीदार होगी। तो बस ये देखिए कितना फ्लफी भी दिख रहा है, अभी दिख रहे हैं ठीक था पहले, अब देख रहे हैं कितना लिक्विड ही हो गया एकदम से। तो बस अब हम तवे पे चलते हैं, इसको स्प्रेड करते हैं। तवा तो मैंने पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए। तो बस इस फ्लेम मैंने मीडियम रखे, हाई मत रखिएगा, मीडियम लो पे ही रखना। और इसे स्प्रेड करके इसे मैं थोड़ी देर ढक के रख दे रही हूँ। तो बस ये देखिए ढक के रखिए, अब दिख रहे हैं जालीदार कितने अच्छे से हुए। अब इसके ऊपर से आपको सब्जी डालना है, जो डालना है वो डाल। मैं इस पर टमाटर डाली हूँ, टमाटो मक्का उत्तपा कर रही हूँ, तो मैं टमाटो डाल रहा हूँ, थोड़ा सा धनिया डाल दे रही हूँ। इसे स्प्रेड कर दे, अब बस इसे अब संभाल के दूसरे सेकना है। तो एक साइड तो हो गया, हम आई थिंक पलट के देख लेते हैं। हाँ तो देखिए कितना मस्त कलर भी आया, कितना यम्मी दिख रहा है। तो अगेन इसे मैं ढक के रख दे रही हूँ। तो बस हमारे टमाटर वाले उत्तपे हो गए मक्के के आटे के तैयार। ये देख सकते होंगे कितना अच्छे से तैयार हो गया है। वैसे हम पलट के भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए हो गया है। तो बस इसे चलते प्लेटिंग करते हैं, और ठंडी का मौसम चले, सिंगदाने और हरी धनिया की मस्त मज़ेदार की चटनी बना लिया था मैंने, बड़े मज़े के लगते हैं सिंगदाने की चटनी इसके साथ। तो बस अगर आप नारियल खाते होंगे नारियल बना लेना, और मुझे नारियल का एक्चुअली पसंद नहीं था, तो मैंने सिंगदाने और हरी धनिया की चटनी बनाई। और आप उत्तपे देख सकते हैं कितना अच्छे से, एक साइड तो काफ़ी ज़्यादा खर हो गया था। तो बस पर हाँ खर हुआ था, जला नहीं था भाई, नहीं तो कहते आपने जला दिया नहीं। और आप देख रहे हैं कितना जालीदार हुआ है, कितना फ्लफी हो, कितने फूले फूले हुए हैं। और यकीन माने बड़े मज़े के लगे थे। उम्मीद करते हैं आप रेसिपी ज़रूर पसंद करेंगे, कमेंट्स करके बताना मुझे आपको रेसिपी कैसी लगी। तो तब तक के लिए खाओ पियो मज़े करो, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और हाँ रेसिपी पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कैसे कैसे बनना है स्वाद के साथ।